नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड एम्स दीघा एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हो गया है। सरकार के मुताबिक इस रोड पर ट्रैफिक शुरू होने से पटना वासियों का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा होगा। यह राज्य की जनता के लिए नई सरकार का पहला उपहार है। इस एलिवेटेड रोड से राजधानी पटना सहित उत्तर बिहार के लोगों की यात्रा आसान हो जाएगी। एक तरफ उत्तर बिहार के लोगों को दक्षिण बिहार और एम्स पहुंचने में ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी, तो वहीं बिहार राज्य पथ विकास निगम के MD बताया कि यह बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड होगा। उन्होंने बताया कि इस एलिवेटेड रोड के शुरू हो जाने से JP सेतु से आने वाले ट्रैफिक को उत्तर बिहार जाने और उत्तर बिहार से नौबतपुर, बिहटा, एम्स और औरंगाबाद जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। संजय अग्रवाल के मुताबिक 1289.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह एलिवेटेड रोड 12.27 किलोमीटर लंबा है और यह पथ बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड पथ है। पटना दिल्ली रेल लाइन के ऊपर 106 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज इंजीनियरिंग का एक अनोखा नमूना है। नेहरू पथ पर पहले से निर्मित ROB यानी कि रेलवे ओवर ब्रिज के कारण एलिवेटेड पथ की ऊंचाई लगभग 25 मीटर है। हालांकि इसका निर्माण अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण था। कुशल कारीगरी से इस कार्य को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। यह पथ व्यापार के दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। इसके अलावा राजधानी की सड़कों पर भी दबाव कम होगा और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। आमतौर पर उत्तर बिहार की यात्रियों को घर से निकलते समय यह नसीहत जरूर मिलती थी कि आपको पटना के जाम से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन अब यह नसीहत नहीं मिलेगी। अब JP सेतु से उतरते ही एक नया एलिवेटेड रोड यात्रियों का इंतजार करता मिलेगा। अब इस एलिवेटेड रोड की मदद से आप पटना के जाम का सामना किए बगैर सीधे एम्स आ सकते हैं। सोमवार 30 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी मौजूद रहे। साथ ही पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। इसके साथ ही इस पथ पर वाहनों का आवागमन शुरू हो गया। इस पुल का सफर करने में महज 8 मिनट का समय लगेगा और लगभग 12.5 किलोमीटर का सफर खत्म हो जाएगा। इस एलिवेटेड रोड पर कहीं भी यूटर्न नहीं है। इस पुल के मदद से अब हाजीपुर, छपरा, बख्तियारपुर आना जाना आसान हो जाएगा। साथ ही पटना से यूपी के गाजीपुर तक जाना आसान होगा। साथ ही गांधी सेतु पर बड़ी गाड़ियों का दबाव भी कम होगा। बिहार के इस सबसे बड़े एलिवेटेड रोड का निर्माण कैमन इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी ने किया है। इस एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य 2013 में शुरू हुआ था। 12.5 किलोमीटर के इस रोड में लगभग 8.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है। जेपी सेतु से परिचालित होने वाले यातायात को उत्तर बिहार जाने और उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार जाने में काफी सहूलियत होगी। MD संजय कुमार अग्रवाल ने यह भी बताया कि दानापुर स्टेशन के पूर्व रेलवे लाइन के ऊपर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्यकारी एजेंसी के लिए चुनौतीपूर्ण था। ROB की लंबाई 106 मीटर है जो ओपन वेब स्टील ग्रीडर है। तो बिहार का सबसे बड़ा एलिवेटेड पथ एम्स दीघा एलिवेटेड अब यात्रियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।